बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलकर विपक्षी एकता पर चर्चा की। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को एकजुट करने में नीतीश कुमार जुटे हुए हैं। विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने के लिए नीतीश कुमार ने एक बार फिर राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इससे पहले 12 अप्रैल को भी नीतीश ने कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की थी। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा, एक दो दिन में विपक्षी दलों की बैठक पर फैसला हो जाएगा। ऑपोजिशन पार्टी मीटिंग विल बी हेल्ड एंड द डेट विल बी डिसाइडेड विद इन वन और टू डेज एंड डेट एंड प्लेस विल बी इन्फॉर्म यू विद इन वन और टू डेज। वहीं जेडीयू ने भी कहा कि विपक्षी पार्टियों को एक साथ लाने के लिए एक विपक्षी दलों की बैठक 2-3 दिन में तय हो जाएगी। मीटिंग में विपक्षी एकता के बारे में जो सहमति बनी हुई थी, उस सहमति पर विस्तार से चर्चा हुई। नीतीश के साथ मुलाकात के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर कहा कि लोकतंत्र की मजबूती ही हमारा संदेश है। कांग्रेस नेताओं से मुलाकात से एक दिन पहले ही नीतीश कुमार ने विपक्षी पार्टियों को एक साथ लाने को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की थी। नीतीश कुमार की विपक्षी नेताओं के साथ मुलाकात पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार का पीएम बनने का सपना पूरा नहीं होगा। नीतीश कुमार की विपक्षी पार्टियों से मुलाकात पर बीजेपी ने कहा है कि नीतीश कुमार बिहार में अपना अस्तित्व खो चुके हैं और अब राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज नीतीश कुमार जी की पार्टी अपने प्रांत बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी हो गई, यानी वो अपने ही राज्य में अपनी प्रासंगिकता खोते हुए नजर आ रहे हैं। अब राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखने अथवा किसी भी प्रकार से प्रासंगिक बने रहने की यह छटपटाहट उनमें दिखाई पड़ रही है। वहीं बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार में 18 सालों से कोई काम नहीं किया और अब प्रधानमंत्री बनने का सपना देखकर विपक्षी दलों को एकजुट करने के अभियान में जुटे हैं। देखिए, जो स्थिति है, नीतीश कुमार जी पूरे देश में सिर्फ पिकनिक मनाने का काम कर रहे हैं, इससे अधिक कुछ नहीं हो रहा। और नीतीश कुमार जी ने तो बिहार में स्वयं को घोषित कर दिया कि मैं प्रधानमंत्री हूं। हमको लगता है सपना में उन्होंने प्रधानमंत्री का ओथ भी ले लिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलकर विपक्षी एकता पर चर्चा की। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को एकजुट करने में नीतीश कुमार जुटे हुए हैं। विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने के लिए नीतीश कुमार ने एक बार फिर राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इससे पहले 12 अप्रैल को भी नीतीश ने कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की थी। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा, एक दो दिन में विपक्षी दलों की बैठक पर फैसला हो जाएगा। ऑपोजिशन पार्टी मीटिंग विल बी हेल्ड एंड द डेट विल बी डिसाइडेड विद इन वन और टू डेज एंड डेट एंड प्लेस विल बी इन्फॉर्म यू विद इन वन और टू डेज। वहीं जेडीयू ने भी कहा कि विपक्षी पार्टियों को एक साथ लाने के लिए एक विपक्षी दलों की बैठक 2-3 दिन में तय हो जाएगी। मीटिंग में विपक्षी एकता के बारे में जो सहमति बनी हुई थी, उस सहमति पर विस्तार से चर्चा हुई। नीतीश के साथ मुलाकात के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर कहा कि लोकतंत्र की मजबूती ही हमारा संदेश है। कांग्रेस नेताओं से मुलाकात से एक दिन पहले ही नीतीश कुमार ने विपक्षी पार्टियों को एक साथ लाने को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की थी। नीतीश कुमार की विपक्षी नेताओं के साथ मुलाकात पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार का पीएम बनने का सपना पूरा नहीं होगा। नीतीश कुमार की विपक्षी पार्टियों से मुलाकात पर बीजेपी ने कहा है कि नीतीश कुमार बिहार में अपना अस्तित्व खो चुके हैं और अब राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज नीतीश कुमार जी की पार्टी अपने प्रांत बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी हो गई, यानी वो अपने ही राज्य में अपनी प्रासंगिकता खोते हुए नजर आ रहे हैं। अब राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखने अथवा किसी भी प्रकार से प्रासंगिक बने रहने की यह छटपटाहट उनमें दिखाई पड़ रही है। वहीं बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार में 18 सालों से कोई काम नहीं किया और अब प्रधानमंत्री बनने का सपना देखकर विपक्षी दलों को एकजुट करने के अभियान में जुटे हैं। देखिए, जो स्थिति है, नीतीश कुमार जी पूरे देश में सिर्फ पिकनिक मनाने का काम कर रहे हैं, इससे अधिक कुछ नहीं हो रहा। और नीतीश कुमार जी ने तो बिहार में स्वयं को घोषित कर दिया कि मैं प्रधानमंत्री हूं। हमको लगता है सपना में उन्होंने प्रधानमंत्री का ओथ भी ले लिया।